Good morning, students. Today I here to discuss about partnership deed. On that day I have discussed about partnership, and today we proceed further about partnership deed. After the establishment of partnership firm, there must be mutual agreement between the partner. This agreement is in the form of oral or written. Whether हमारा भविष्य में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी पार्टनर के साथ, तो हम रिटन एग्रीमेंट जो होता है हमारा, एक वैलिड एग्रीमेंट होता है जिसको हम लीगली, अगर लीगल एक्शन ले सकते हैं उसके खिलाफ, तो आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट वो ज़्यादा सही होता है ओरल एग्रीमेंट से. पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द फर्म. हमारी जो पार्टनरशिप, जिस चीज के लिए हमने पार्टनरशिप की है, वट एवर बिजनेस, वट एवर, फर्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ द फर्म. वट विल द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म बाय विच द फर्म विल ऑपरेट इट्स बिजनेस. मतलब किस चीज के लिए हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, क्या नाम है उस बिजनेस का, किसके क्या मिशन था हमारा, उस चीज के लिए हमने जो है, पहला पॉइंट हमारा है नेम ऑफ द फर्म. द पार्टनरशिप फर्म कैन ऑपरेट इट्स बिजनेस बाय एनी नेम. ठीक है, हम किसी भी नाम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी रिजेंबल द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड फर्म. पहले से उस नाम की कोई भी फर्म बिजनेस या उस तरह का बिजनेस कोई भी मार्केट में रन नहीं हो रहा हो, वो नाम हम अपने बिजनेस को दे सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड नेम ऑफ द फर्म. एड्रेस ऑफ द फर्म, हमारा जहां पे बिजनेस सेटअप होगा, हमने कहां अपना बिजनेस सेट किया है, वो है हमारा एड्रेस ऑफ द फर्म. व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ द फर्म फ्रॉम वेयर इट विल ऑपरेट इट्स बिजनेस. मतलब हम अपना बिजनेस कहां ऑपरेट करना चाह रहे हैं, कहां ऑपरेट करेंगे, इस चीज का हम जिक्र एड्रेस ऑफ द फर्म में देंगे. एरिया ऑफ बिजनेस, द पार्टनरशिप डीड मस्ट मेंशन द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिजनेस. द एरिया ऑफ इट्स बिजनेस कैन बी आइदर बी लोकल, प्रोविजनल और नेशनल और इंटरनेशनल. मतलब हमें ये बताना होगा कि हमारा जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल लेवल में है कि नेशनल लेवल में है कि लोकल है, ये हमें एरिया ऑफ बिजनेस में डील करना पड़ेगा. नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, मतलब नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, जो भी हमारे पार्टनरशिप में शामिल हुए हैं, उन जितने उन पार्टनर्स का नाम और वो कहाँ उनका एड्रेस है, वो सब हम पार्टनरशिप डीड में सब रिटन एविडेंस रहेगा हमारे पास. कैपिटल ऑफ पार्टनर, कैपिटल ऑफ पार्टनर मतलब जितनी भी पूंजी हमने इन्वेस्ट की है, द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर इज रिटन इन पार्टनरशिप डीड. मतलब जितनी भी पूंजी पार्टनर द्वारा लगाई गई है, निवेश की गई है, उसको हम कैपिटल ऑफ पार्टनर में शो करेंगे. नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब किस तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं इसकी जानकारी. व्हाट टाइप एंड इन विच प्रोडक्ट द फर्म विल डील इट्स बिजनेस, किस तरह के प्रोडक्ट को डील करेगा बिजनेस, ये इस बारे में हम नेचर ऑफ बिजनेस में दिखेंगे. वेदर द फर्म विल कैरी ऑन होलसेल बिजनेस और रिटेल बिजनेस. होलसेल मतलब आप थोक विक्रेता हैं कि आप फुटकर विक्रेता हैं, इस बारे में भी आप नेचर ऑफ बिजनेस में शो करेंगे. पीरियड ऑफ फर्म, पीरियड ऑफ फर्म मतलब कितना टाइम पीरियड का आपका बिजनेस है, आपका सेशन कब से स्टार्ट होगा. जैसे हमारा 1 अप्रैल to 31 मार्च चलता है, या फिर 1 जनवरी to 31 दिसंबर चलता है, ये पीरियड ऑफ फर्म. व्हाट विल बी द वर्किंग लाइफ ऑफ द फर्म, मतलब कितना समय लगेगा, क्या लाइफ है आपकी फर्म की. विल द पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वर्क, जिस काम के लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, उस काम को कंप्लीट करने के बाद आप डिसॉल्यूट हो जाएंगे, मतलब आपकी फर्म का विघटन हो जाएगा, या फिर आप कोई और बिजनेस कैरी करेंगे, या उसके अलावा भी आपने कुछ और सोच रखा है, तो इसमें आएगा. प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, मतलब अगर आपने कोई बिजनेस किया है तो उसमें आपका क्या लाभ हानि अनुपात होगा, या आपने जितनी कैपिटल लगाई है उस हिसाब से आपका रेशियो रहेगा, या कि इक्वल रहेगा, तो जो भी रहेगा आपको उसमें पहले से ही पार्टनरशिप डीड में सब चीज शो करनी पड़ेगी कि ये हमारा रेशियो है और कितने पार्टनर हैं और कितनी कैपिटल हमने लगाई है. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब हम पूंजी पर ब्याज हम लेंगे, और लेंगे तो कितना लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, ये सारी चीजें हम डील करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में. वेदर इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर इन द फर्म और नॉट, इफ इट इज अलाउड व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट.
अभी हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए। अब यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, साइलेंट होती है, या पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है, उस कंडीशन में हमें क्या कैसे डील करना है बिजनेस को, तो उसके लिए प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जहां पर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहेगी वहां पे क्या, इफ देयर इज नो रिटन और ओरल एग्रीमेंट, अगर कोई भी रिटन और ओरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है पार्टनर्स के बीच में फर्म में, तो द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई। तो 1932 में क्या क्या चीजें हैं, राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, मतलब जितने भी बिजनेस में पार्टनर है सबको अधिकार है, वो बिजनेस की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी मर्जी से नहीं होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने कितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट की है लेकिन एग्रीमेंट नहीं है, इस वजह से हमें हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, मतलब वेदर पार्टनर इज कंट्रीब्यूटेड लेस और मोर बट दे गेट द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ इक्वल रेशियो, मतलब दे गेट इक्वल प्रोपोर्शन, वो उनको प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल प्रोपोर्शन में ही मिलेगा। सैलरी एंड कमीशन, नो सैलरी एंड कमीशन विल बी चार्ज टू ईच पार्टनर इन द पार्टनरशिप इफ पार्टनरशिप डीड एब्सेंट, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो किसी भी पार्टनर को ना तो कोई सैलरी मिलेगी और ना ही कोई कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ एनी पार्टनर गिवन लोन टू द फर्म देन दे वुड गेट 6% पर एनम फॉर देयर लोन, उनको अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उन्हें 6% के रेट से ब्याज मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% मिलेगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर हमें किसी भी पार्टनर को एडमिशन देना है तो हम सारे पार्टनर से पहले कंसेंट करके फिर नए पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसलिए आपको इसको बहुत क्लीनली स्टडी करना है कि यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहती है या एब्सेंट रहती है या कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, उस कंडीशन में हम कुछ भी नहीं देते, हम सैलरी भी नहीं देते, कमीशन भी नहीं देते, प्रॉफिट इक्वल बांटते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना पड़ता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देना पड़ता, और हर पार्टनर, हर जितने भी बिजनेस के कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन देना है तो उसके लिए भी हम कंसर्न करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसे आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए। आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब हम अब अपनी बिजनेस की एक्टिविटी को, जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ये है हमारे सामने, देखिए अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट साइड, ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखेंगे, यदि हमें लॉस होगा, इन केस ऑफ लॉस हमें टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन करना है। डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, तो क्योंकि ये पार्टनरशिप बिजनेस है यहाँ पर एक से ज्यादा पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं इसीलिए ये पार्टनरशिप है, तो ए बी जितने भी पार्टनर हैं उनकी कैपिटल का इंटरेस्ट लिखना है यहाँ पे। फिर कितनी सैलरी उनको दे रहे हैं हम उसका रिकॉर्ड हम यहाँ करेंगे, कितना कमीशन दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड हम यहाँ करेंगे, उसके बाद जो बचेगा प्रॉफिट में से इन सब को डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा उस प्रॉफिट को ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है इसीलिए उसको हम क्रेडिट साइड शो करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आएगा क्रेडिट साइड। और अगर हमारा लॉस है, अगर मान लीजिए यहाँ का बैलेंस ज्यादा है और यहाँ का बैलेंस कम है तो प्रॉफिट आएगा, और अगर डेबिट का बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट का बैलेंस कम है तो हमें लॉस आएगा, तो उसे हम ट्रांसफर करेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसके आगे न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे,
नेक्स्ट लेक्चर में।